सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क्याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि दिल्ली के पास है। ये वीडियो बहुत वायरल हो चुकी है, शायद आप भी देख चुके होंगे, क्योंकि हद से ज्यादा जुल्म इसका हो रहा था। शायद मुसलमानों से इसको नफरत भी थी होगी, जिसकी वजह से इसने जो है इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकत की है। दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को जुम्मे को सस्पेंड कर दिया गया, जब इसका ये वीडियो सड़क पर नमाज अदा करने वाले मुसलमानों को लात मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बात उसके इसको सस्पेंड कर दिया गया और पुलिस ने जुम्मे को बताया कि नॉर्थ दिल्ली के इंदोलोक एरिया में एक सड़क पर नमाज अदा करने वालों को इसने लात मारी और नमाज में खलल डालते हुए एक मुबैना वीडियो के सिलसिले में इसे सस्पेंड कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जो है हुकूमत भी बड़ा अच्छा काम करती है। वो खबर हम आपको दिखाते हैं दिल्ली से। भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग सजदे में थे, भाई लोग जितने भी है नियत कर रखे थे, इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है, भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग सजदे में थे, भाई लोग जितने भी है नियत कर रखे थे, इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है, सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क्याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालदेन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लास रूम में आपकी बच्चियों की तालीम तरबियत हुस्न अखलाक हिफ्ज कुरान करीम और स्पोर्ट्स के तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब।